हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बजाज का आयरन है दोस्तों, इससे हम कपड़े प्रेस करते हैं और ये खराब हो चुका है। और ये देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये बजाज का है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 वाट का, इसमें एलिमेंट लगा होता है और ये सीरियल नंबर है इसका और ये हल्के वाले प्रेस है। तो इसमें एल्युमिनियम का जो एलिमेंट होता है इसमें वो वाला है, ठीक है। एक होता है पत्ता वाला, एक होता है एल्युमिनियम का रॉड वाला, ठीक है। तो रॉड वाला क्योंकि हल्का प्रेस है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है दोस्तों, इसको हम जैसे हम लाइट में लगाते हैं, देखिए जैसे इसको मैं लाइट में लगा रहा हूँ और ऑन करता हूँ स्विच को, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें एलईडी जल रहा है, ठीक है। आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन इसमें एलईडी जल रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये जो है प्रेस गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। काफी देर तक इसको रखे रहो लेकिन गर्म नहीं होता, सिर्फ एलिमेंट एलईडी है ये जल रहा है। तो क्या दिक्कत है इसको हम खोल कर देखेंगे और इसको कैसे खोलते हैं ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए इसको खोल कर देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेच है, यहाँ पे आपको खोलना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको खोल लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे सारे तार जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर केबल खराब होता तो ये एलईडी नहीं जलता, ठीक है। तो अंदर कुछ और फॉल्ट हो सकता है, इसका एलिमेंट जल गया होगा या फिर इसका जो थर्मोस्टेट है वो खराब हो गया होगा। तो ये खुलने के बाद ही पता चल पाएगा क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम इन सबको तारों को यहाँ से खोल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लाल वाला एक है, काला वाला एक, हरा वाला। हरा वाला अर्थिंग के लिए होता है जो कि इस बॉडी में टच होता है, और एक लाल होता है और एक काला होता है, ये इसमें होता है। एक तार जो इसमें से एलिमेंट पे जाता है और एक तार जो है थर्मोस्टेट से होते हुए एलिमेंट पे जाता है, ठीक है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं इस तरह से इसमें कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं, तीनों तार को हम खोल लेते हैं। इसके जो पेच हैं संभाल के रखेंगे, नहीं तो गिर जाएगा, खो जाएगा, फिर मुश्किल होता है। इन केबल को हम साइड में रखते हैं और इस प्रेस को अब खोलेंगे। अब इसको खोलें कैसे, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको हमें खोलना पहले। तो एक पेचकस की मदद से इसको हम ऐसे डालेंगे और इसको उल्टा ऐसे करेंगे तो खुल जाएगा ऐसे। ये देखिए बहुत आसानी से खुल गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे जो पेच है और एक यहाँ पर पेच है, इन दोनों को खोल लेना है। अब दो पेच यहाँ पर है, इसको भी खोल लेंगे। प्रेस को खोल लिया है, ठीक है। अभी देखिए ये बाहर आ गया है ऊपर का कवर। अब क्या काम करना है, यहाँ पर एक पेच और एक पेच यहाँ पर है, ठीक है। इसको भी हमें खोल लेना है और इस तरह से इसको हम उठाएंगे। तो यहाँ पर ये वायर है, इसको ऐसे घुमाकर और इसको ऐसे घुमाकर और एलईडी है, इस तरह से पकड़ के ऊपर खींच लेंगे, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, इसको भी हम साइड में रखते हैं कवर को। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें, ये थर्मोस्टेट है और ये एलिमेंट है, ठीक है। अब एलिमेंट में इसका कनेक्शन आपको मैंने दिखाई दिया था कैसे कैसे किया होता है। ये जो तार बाहर निकले हुए थे लाल और काला, ये लाल वाला जो कि है ये थर्मोस्टेट पे गया है और थर्मोस्टेट से होकर एलिमेंट पे गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो तार है डायरेक्ट एलिमेंट पे गया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से जो एलईडी है एक थर्मोस्टेट पे से गया हुआ है और एक डायरेक्ट गया हुआ है, ठीक है। ये आपने पिक्चर देख लिया इस तरह का इस पे, और ये देख लीजिए इसका फोटो खींच लीजिए कैसे कनेक्शन किया जाता है। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो अगर आपके पास सीरीज है तो सीरीज से चेक कर लीजिए, मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से चेक करिए। तो मेरे पास सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज में ऐसे बोर्ड में इसको लगाएंगे और इसको हम ऐसे टच करेंगे तो देखिए बल्ब जल गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों तारों पर ऐसे लगाएंगे तो क्या होता है, एलईडी जल रहा है, ठीक है, लेकिन सीरीज का जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। अगर सीरीज का बल्ब, अगर एलिमेंट ठीक होता तो बल्ब इस तरह से कुछ जलता सीरीज का, ठीक है।
तेज रोशनी में जलता है, लेकिन अभी इसमें बल्ब में कुछ भी नहीं जल रहा है, जो सीरीज का बल्ब है हमारा, बल्ब सीरीज मतलब ये होता है सीरीज का, इस तरह से हम टच करेंगे तो ये बल्ब जलता है, ठीक है। लेकिन इस समय कुछ भी नहीं जल रहा है, सिर्फ LED जलता है, लेकिन ये सीरीज का नहीं जलता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम, तो नहीं चल रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका थर्मोस्टेट चेक करेंगे। तो एक तार इस पर रखेंगे और दूसरा तार इस पर रखेंगे, तो देखेंगे थर्मोस्टेट वाला ये काम कर रहा है। देखिए थर्मोस्टेट है, एक तार यहाँ से और एक तार यहाँ से, यहाँ से जाता है और इनपुट होकर यहाँ से आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट हमारा ठीक है। अब एलिमेंट के दोनों पॉइंट पर सीरीज का बल्ब लगाएंगे, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। देखिए एलिमेंट इस तरह से गया हुआ है और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पर सीरीज को ऐसे लगाएंगे तो देखेंगे सिर्फ LED जल रहा है, ठीक है, सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है, एलिमेंट नहीं जल रहा है। इसका मतलब इसका एलिमेंट खराब है, थर्मोस्टेट ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं और दूसरा एलिमेंट लगाएंगे, तो इसको हम फटाफट खोल लेते हैं इसके पेचों को। ये देखिए, और इसको हम खोल लेते हैं, तो जैसे जैसे आप खोल रहे हैं वैसे इसका एक फोटो खींच लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में कोई कनेक्शन में गलती कर देंगे, तो खोलने से पहले एक फोटो जरूर खींच के रखिए, ठीक है, इस तरह से। इसको भी खोल लेते हैं, और एलिमेंट को किसी पेचकस की मदद से इस तरह से डाल के खोल लेंगे, बड़ी सावधानी से, ज़्यादा ठोक बजाना नहीं है, सिंपल तरीके से इस तरह से खोल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे दिक्कत लग रही है आपको, हमें जो एलिमेंट है यहाँ पर देखिए फटा हुआ है, ठीक है, ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे फट रहा है जिस कारण ये खराब हो गया है। तो इसमें देखेंगे इसका वाट, देखेंगे तो 1000 वाट का है ये, ठीक है, तो ये हम दूसरा लेकर आते हैं और इसको चेंज करेंगे, तो इसको हम खोल लेते हैं फटाफट। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको खोल कर लेकर जाएंगे, दुकान वाले को दिखाएंगे, वो आपको दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल के बाद ये एलिमेंट इसमें से मैंने निकाल लिया है, और इसको बिल्कुल देखिए कचरा हो गया है, बिल्कुल खोलते खोलते L टाइप का एलिमेंट है, और ये बड़ी मुश्किल से मिला मुझे दुकान पे, तो ये लेकर आया हूँ L टाइप का, सेम इसी का है, और एक 1000 वाट का है ये, इसको हम सेट करेंगे। दोस्तों लगाते समय इस पर बड़ा ही ध्यान देना है, इस पर ज़्यादा चोट ना मारना है, ठीक है, चोट ज़्यादा मारेंगे तो एलिमेंट ख़राब हो सकता है, तो इस पर अगर डायरेक्ट चोट मारना चाहते हैं थोड़ी सी, तो नीचे लकड़ी का गुटका कोई रख के मारेंगे और इसको फिट करेंगे फटाफट। तो चलिए हम फिट कर लेते हैं, इसको फिट करने के लिए हम थोड़ा सा प्लास और थोड़ा सा एक लकड़ी का गुटका ले लेते हैं, उससे हम इसको ठोकेंगे और फटाफट इसको ठोक के आपको दिखाते हैं। तो इसको चेक करना, तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं या फिर सीरीज से चेक कर सकते हैं, तो मैं सीरीज से चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो सीरीज है मेरे पास और इसको मैं बोर्ड में लगाता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ अब। तो देखिए सीरीज का लाइट जल रहा है, यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए लाइट आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, जल रहा है। और उसके बाद देखेंगे इसका ग्राउंड वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पार्किंग नहीं है, अगर होता तो इस तरह से ऐसे बल्ब जलता है, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा सही से लग चुका है, और इसका थर्मोस्टेट चेक कर लेते हैं, तो ये थर्मोस्टेट भी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसमें जैसे हमने खोला था वैसे ही कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट। तो कनेक्शन के लिए आपने देख ही रखा था कैसे कैसे करना है, पिक्चर एक बार और दिखा देता हूँ, इस तरह से हमें कनेक्शन करना है। तो ये एलिमेंट के तार हैं, ये डायरेक्ट लगेगा और ये हमारा इसमें लगेगा, ठीक है। तो फटाफट इसका कनेक्शन कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद सीरीज से एक बार और चेक कर लेते हैं। इन दोनों में हमें लाइट देना है, देखिए ये जल रहा है हमारा, और ये एलिमेंट हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फटाफट अब चलिए कनेक्शन, ऊपर का ढक्कन लगा देते हैं इसमें, अभी देखिए बनकर तैयार हो गया। इसको हम सीरीज में लगाते हैं और चेक करेंगे, तो देखिए सीरीज की लाइट जल रही है। अब इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, और डायरेक्ट चेक करेंगे। तो डायरेक्ट में लगाने जा रहा हूँ और स्विच ऑन कर दिया, देखिए इसी पे लाइट जल चुका है अंदर, LED इसका, और प्रेस भी हीट होना शुरू हो गया है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल द रवि टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको बना दिया है। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।